सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू सेलेस एडिटिंग जोन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना कुछ इस टाइप की क्रिएटिव रोज फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। और गाइस बेहद सिंपल तरीके का यूज करके इस फोटो को एडिट किया गया है, तो आप लोगों को इस वीडियो में मजा तो मजा गाइस, आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल को गाइस आप लोग जाके सपोर्ट और प्यार दिखाइए। गाइस मैं उस पर मोटो ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस को शुरू कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आपको स्नैपशीट ऐप को ओपन करके प्लस की आइकन पे गाइस सिंपली आप क्लिक करके और आप जिस भी फोटो को गाइस एडिट करना चाहते हैं ना उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि गाइस मैं इस वाली फोटो को एडिट करने वाला हूँ, तो मैं इसे स्नैपशीट ऐप में गाइस ओपन कर लिया। और कर लेने के बाद सबसे पहले स्टेप में गाइस आपको क्या करना होगा, इसी पेंसिल की आइकन पे गाइस आपको क्लिक करके ट्यून इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और करने के बाद सिंपल से गाइस यहाँ से आपको ऐसे नीचे की ओर आना होगा और इसकी सैचुएशन को हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे। और डिक्रीज कर लेने के बाद सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। और राइट आप जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे ना, तो ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप की गाइस देखने को मिलेगा। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन गाइस क्लिक कर लेंगे, व्यू एडिट के ऑप्शन, और यहाँ पे ना ट्यून इमेज पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को लेके गाइस ना इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, तो साइज यहाँ से आपका 0 मिलेगा ब्रश का। तो फोटो को गाइज आप ऐसे जूम कर लीजिएगा और जूम कर लेने वाला सिंपल से आपको जहाँ जहाँ आपका स्किन है गाइज ना वहाँ से इस इफेक्ट को आप इजीली ऐसे रिमूव कर लीजिएगा। तो गाइज फटाफट से आप कर लीजिएगा ये स्टेप, मैं भी कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सिंपली गाइज ऐसे आपको अपनी स्किन से हटा लेने के बाद ना सिंपल राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और बैक होते ही गाइज आप लोग देख ही सकते हैं आप लोगों की फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। अगेन गाइज इसी पेंसिल की आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक विंटेक का ऑप्शन मिलेगा, तो विंटेक वाले ऑप्शन पे गाइज आप क्लिक कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद यहाँ पे ना एक सिक्स नंबर का एक फिल्टर आपको मिलेगा। तो इसको गाइज लेने के बाद ना सिंपली ऐसे नीचे आके इसकी सैचुएशन को हम लोग ऐसे डिक्रीज कर देंगे और सिंपल गाइज यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे। और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल टू ऑल गाइज आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन गाइज क्लिक करना होगा, व्यू एडिट के ऑप्शन, और विंटेक पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को लेके गाइज ना इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा और साइज यहाँ से आप 0 कर लीजिएगा। और फोटो को ऐसे जूम करके आपको अगेन अपनी स्किन पे से इस इफेक्ट को रिमूव कर लेना होगा। तो गाइज फटाफट से आप ये स्टेप फटाफट से कर लीजिएगा, फिर आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगा। और सिंपली गाइज यहाँ से राइट आप क्लिक करके यहाँ से आप बैक हो जाइएगा। और बैक होते ही गाइज देख ही सकते हैं आप लोगों की फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो सिंपल से गाइज इस टाइप की आपकी फोटो देखने को मिलेगी। तो अगेन गाइज इसी पेंसिल की आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और ऊपर साइड में ना कर्व वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सिंपली गाइज यहाँ से ब्लू कलर को लेके ना इसकी कर्व लाइन को बीच से पकड़ के हम लोग फुल्ली नीचे कर देंगे। और अगेन गाइज इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और रेड कलर को सिलेक्ट करके क्या करेंगे ना इसकी भी हम लोग कर्व लाइन को पकड़ के ऐसे नीचे साइड में लेकर चले आएंगे। और आने के बाद सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी फोटो गाइज ग्रीन टोन में आ जाएगी। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन, व्यू एडिट के ऑप्शंस पे क्लिक करके कर्व वाले पे क्लिक करके ब्रश को लेके गाइज ना इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और साइज यहाँ से हम लोग ना 25 रहने देंगे। और फोटो को जूम करके आपको अपने स्क्रीन पे से इस इफेक्ट को ऐसे चलाना होगा। याद रहे गाइज आपको ना साइज को 25 रखना होगा। गाइज मैं इसीलिए 25 बोल रहा हूँ ताकि हम लोग का बैकग्राउंड और जो है ना फेस का कलर जो है मैच करे स्किन का कलर, इसलिए मैं आपको 25 बोल रहा हूँ। तो फटाफट से आप गाइज कर लीजिएगा। और सिंपली गाइज ऐसे आपको कर लेने के बाद ना यहाँ से राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और बैक होते ही गाइज ये फोटो आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं, काफ़ी ऑसम सी दिख रही है।
तो गाइज अब हम लोग ना PNG को ऐड करने वाले, तो PNG को ऐड करने के लिए पेंसिल की आइकन क्लिक कर देंगे गाइज, ऐसे नीचे साइड में जाएंगे डबल एक्सपोजर के आइकन प्लस की आइकन पे गाइज आप क्लिक करके यहाँ से रोज की PNG को लेके गाइज ना बीच वाले पे क्लिक करके सिंपल से आप लोगों को यहाँ पे ना ऐड क्लिक कर देना होगा, और ऐड क्लिक कर लेने वाले यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन क्लिक करेंगे, व्यू एडिट के ऑप्शन और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को गाइज लेके ना इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और साइज यहाँ से जीरो करके ना आपके बॉडी पे जो भी ये रोज वाला इफेक्ट आया है ना इसे हम लोग कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेंगे। अब गाइज फटाफट से इसे रिमूव कर लीजिएगा, मैं भी गाइज कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस गाइज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है। अगैज कर लेना और सिंपल राइट क्लिक करके आपको यहां से बैक आ जाना होगा, और अगेन गैज एक बटरफ्लाई PNG को हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो पेंसिल की आइकन पे क्लिक करेंगे डबल एक्सपोजर प्लस की आइकन और सिंपल से गैज ना बटरफ्लाई PNG को लेके बीच वाले पे क्लिक करके इसे लाइटेन या गैज कर सकते हैं और ऐड भी, तो फिलहाल के लिए मैं ऐड क्लिक करके सिंपल राइट क्लिक कर दूंगा, और कर लेने के बाद आप हम लोग अपनी फेस पे काम करेंगे गाइज। तो पेंसिल की आइकन पे क्लिक करके ऐसे ऊपर साइड में आएंगे सेलेक्ट टू वाले पे गाइज क्लिक करके आपको अपनी फेस को ऐसे सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को गाइज यहाँ से इंक्रीज करके सिंपल नीचे की इसकी सेचुएशन को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, और गाइज ये प्रोसेस आप फटाफट से कर लीजिएगा जहाँ जहाँ पे आपका स्किन डार्क है, और कर लेने के बाद कुछ इस टाइप की रिजल्ट गाइज आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो गाइज अगेन क्या करेंगे हम लोग ना अपनी फेस को थोड़ा सा स्मूथ भी कर लेते हैं, तो उसको भी करने के लिए पेंसिल की आइकन और नीचे आके ना पोर्ट्रेट वाले पे गाइज क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक गाइज ना स्मूथ टू जो है सिलेक्ट कर लेगा, और करने के बाद जो भी यहाँ पे सेटिंग देगा इसे हम लोग रहने देंगे, लेकिन इसकी फेस स्पॉट लाइट को गाइज ना हम लोग थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर लेंगे लगभग +20 और सिंपल राइट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही ये प्रोसेस करेंगे तो कुछ इस टाइप की फोटो ऑल टू ऑल गाइज देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइज एक ना हम लोग क्या करने वाले हैं एक टेस्ट को लिख के यहाँ पे ऐड करने वाले ताकि हम लोग का फोटो अट्रैक्टिव लगे, तो पेंसिल की आइकन क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करके डबल टैप करके ना यहाँ से पूरा बैक कर देंगे। यहाँ पे बटरफ्लाई राजा आप लिख दीजिएगा गाइज सिंपल से, और यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिएगा, और ओके क्लिक कर लेने के बाद इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसकी फॉन्ट को गाइज ना आप L3 कर लीजिएगा, और सिंपल गाइज छोटा करके ऊपर साइड में ऐसे लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑल टू ऑल गाइज आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी जो कि देखने में काफ़ी ओसम एंड बवाल सी लग रही है। तो गाइज इस फोटो को सेव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तीर के आइकन पर क्लिक करके सिंपल एक्सपोर्ट क्लिक कर देंगे और हम लोग की ये फोटो गाइज गैलरी में सेव हो जाएगा। तो थोड़ा सा हाँ देखिए गाइज ये फोटो गैलरी में सेव हो गया है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेकंड चैनल को मेरे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।